हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच के बारे में। तो बेसिकली लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जिसका फोकस है लैंग्वेज डेवलपमेंट के इंटीग्रेशन पे और किसके साथ, कंटेंट लर्निंग अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एरिया। मतलब ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक कंटेंट। तो ये कहता है कि लैंग्वेज इज नॉट समथिंग जो सिर्फ हम लोग बात करने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये एक पर्पज है। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कोई भी चीज़ लर्न करनी है, मुझे कोई भी चीज़ समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो उसके लिए एक और जो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अवर लैंग्वेज। इट रिकॉग्नाइजेस दैट लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक कंटेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। नाउ ये एक चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे ना हम इसके जो मतलब है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इन द LAC अप्रोच लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज नॉट कन्फाइंड टू लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लासेस। यहाँ पर हम लैंग्वेज को केवल और केवल इंग्लिश या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज क्लास तक नहीं रखते हैं, बट हमने इसको हमारी टीचिंग में, लर्निंग में हर तरह से इसको अपने अपना लिया है। सो LAC अप्रोच के अंदर आप लैंग्वेज को केवल ये नहीं मान रहे हो कि लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट जिसको केवल इंग्लिश या फिर हम किसी और फॉरेन लैंग्वेज को किसी और कोर्स में पढ़ा रहे हैं, नहीं, बट इट इज़ बेसिकली समथिंग जो हमारे अंदर एम्बेड हो चुकी है, दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। द गोल इज टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन एक्वायरिंग बोथ लैंग्वेज स्किल्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज साइमल्टेनियसली। जब आप सपोज साइंस में, मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या SST में आप लैंग्वेज को इंटीग्रेट करते हो, तो क्या फ़ायदा होता है? आप लैंग्वेज तो सीख ही रहे हो, साथ के साथ आपका मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन साथ के साथ आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी बेटर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, और हमें किसी भी कंटेंट की इस वजह से, लैंग्वेज को अपने अपनाने की वजह से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है जिससे हमारी एकेडमिक अचीवमेंट बेटर हो रही है। नाउ हेयर आर सम की एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द LAC अप्रोच। कुछ की एलिमेंट्स या जिसे कहना चाहिए प्रिंसिपल्स इस अप्रोच के। लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। इन द LAC अप्रोच लैंग्वेज इज व्यूड एज अ व्हीकल थ्रू विच स्टूडेंट एक्सेस एंड एक्सप्रेस नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन। LAC अप्रोच के अंदर हम लैंग्वेज को देखते हैं एक ऐसे व्हीकल की तरह जिसके थ्रू बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और साथ के साथ डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। मतलब आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू अबाउट एजुकेशन बट आई एम यूजिंग द लैंग्वेज। सो बेसिकली इट इज समथिंग विच इज, और आपको इतना अच्छे से समझ क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने लैंग्वेज को जो अभी मैं बोल रही हूँ उसको अपना लिया है। इट इज़ इन योर करिकुलम, इट इज़ इन योर जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर ये एम्बेडेड है। सो बेसिकली तो ये क्या होता है ना, इसकी वजह से बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ये रिकॉग्नाइज करती है दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड एंड कम्युनिकेट आइडिया इफेक्टिवली इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। LAC के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से आती है तो वो बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती है, क्योंकि उससे बच्चे अपना आइडिया बहुत अफेक्टिवली शो कर सकते हैं। दे कैन कम्युनिकेट आइडियाज अफेक्टिवली इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, देन कम्स इंटीग्रेटेड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। LAC प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विद इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन। यानी कि LAC क्या करती है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन के अंदर इंटीग्रेट करती है, मिलाती है। लैंग्वेज स्किल्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये अलग से पढ़ाए जाते हैं एंड हम इसको सब्जेक्ट कंटेंट के साथ में ही, उसके संदर्भ में ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको एक नॉर्मल चीज बोलती हूँ, मैंने आज आपको एक वर्ड बताया, दैट इज इमेजिन एनी रैंडम वर्ड आई वुड से, जो आपके लिए भी अभी साइंस का एकदम से वर्ड दिमाग में आ रहा है, बट सपोज देर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड एपोप्टोसिस और एनी रैंडम वर्ड इफ आई टेक फ्रॉम साइंस। तो बेसिकली या किसी भी लैंग्वेज का, मैंने आपको पढ़ाया साइंस है बट कहीं ना कहीं मैंने आपकी वोकैबुलरी डेवलप करी है, कॉम्प्रिहेंशन यानी आपका जो लैंग्वेज पे पकड़ है वो भी मजबूत हो रही है।
सो टीचर्स क्या करते हैं ना, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वोकैबुलरी डेवलपमेंट होता है, स्ट्रैटेजीज होती हैं एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेसिफिक टू ईच सब्जेक्ट. यानी साइंस के लिए अलग हो सकता है, मैथ्स के लिए अलग हो सकता है, सोशल स्टडीज के लिए अलग हो सकता है. ठीक है, तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड फॉर्म में हेल्प करती है हमारे सिलेबस में ओवरऑल में. ठीक है, नाउ कंटेंट स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स. LAC रिकॉग्नाइज करती है कि हर डिसिप्लिन, चाहे वो सोशल स्टडी हो, साइकोलॉजी हो, SST हो, उसका अपना लैंग्वेज डिमांड होती है. ठीक है, और अपना उसका मतलब निकलता है. सो टीचर फोकस करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स पे. मतलब उस सब्जेक्ट को, सपोज मैं साइंस टीचर हूँ तो मैं फोकस कर रही हूँ कि आपके इस सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट स्किल्स जो हैं वो कैसे इम्प्रूव होंगे. सच एज साइंटिफिक और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी. यानी मैंने अभी कोई वर्ड आपको बता दिया, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, छोटे बच्चों को भी पता होता है, बट इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू साइंस. SST में आप फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ोगे, साइंस पे पढ़ोगे, लेकिन साथ के साथ मैं आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश की भी ठीक कर रही हूँ, बिकॉज यू आर नोइंग द वर्ड फोटोसिंथेसिस, राइट. हिस्टोरिकल एनालिसिस, परसुएसिव राइटिंग टेक्निक्स इंग्लिश में अलग होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड टीचर कोशिश करते हैं कि वो स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करें. ठीक है, दिस इंश्योर दैट स्टूडेंट नॉट ओनली अंडरस्टैंड द कंटेंट बट दे ऑल्सो डेवलप द लैंग्वेज स्किल्स नेसेसरी टू एंगेज विद एंड कम्युनिकेट अबाउट द कंटेंट इफेक्टिवली. इसे क्या इंश्योर होता है, ये इंश्योर करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ना केवल कंटेंट को समझें बट वो अपने लैंग्वेज स्किल्स को भी डेवलप कर लें जो जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए. देन कम्स कोलैबोरेशन अमंग एडुकेटर्स. LAC एनकरेज करता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अलग अलग एडुकेटर्स के बीच में फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज. टीचर वर्क टुगेदर टू प्लान एंड डिजाइन करिकुलम यूनिट. टीचर लोग क्या करते हैं ना, साथ में वर्क करते हैं एंड डिजाइन करते हैं करिकुलम यूनिट जो उनका इंटीग्रेटेड होता है लैंग्वेज एंड कंटेंट नॉलेज के साथ. सो बेसिकली कई बार क्या होता है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इंग्लिश की कई टेक्निक्स आपकी साइंस में हेल्पफुल रहती हैं, तो आपकी लैंग्वेज की जो टेक्निक्स है लैंग्वेज पढ़ाने की, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल रह रही है. तो यहाँ पे टीचर्स भी अपने आप में कोलैबोरेट करते हैं. दे शेयर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, असेसमेंट शेयर करते हैं, ताकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट हो बच्चों के लिए. देन कम असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट. LAC इनकॉर्पोरेट असेसमेंट दैट इवेल्युएट बोथ लैंग्वेज प्रोफिशियंसी एंड सब्जेक्ट नॉलेज. LAC क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है असेसमेंट्स को एंड इवेल्युएट करता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है सब्जेक्ट की और साथ के साथ सब्जेक्ट नॉलेज भी. ऐसे टेस्ट डेवलप होते हैं जिससे लैंग्वेज के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज भी टेस्ट हो जाती है. असेसमेंट में इंक्लूड टास्क दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट थ्रू वेरियस लैंग्वेज स्किल्स. जो असेसमेंट होता है इसमें कई सारे टास्क हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अपना कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं अलग अलग लैंग्वेज स्किल्स के साथ, सच एज राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन. अब आप प्रेजेंटेशन जब दे रहे हो, इट इज बेसिकली कम्युनिकेशन ओनली. मैं आपको अभी जो पढ़ा पा रही हूँ, इट इज माई कम्युनिकेशन स्किल, बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंटेंट नॉलेज. तो आप देख रहे हो किस तरह से इंग्लिश नहीं बट हिंदी यहाँ पे एसोसिएटेड है, और बीच बीच में या समटाइम आई स्पीक इन इंग्लिश एज वेल. तो मेरे कंटेंट जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, दे आर इन इंग्लिश और हिंदी इन अ लैंग्वेज फॉर्म, बट आई एम टीचिंग यू अ कंटेंट थिंग. तो यहाँ पे आपने खुद ही देख लिया कि कैसे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं. आप असेस करोगे तो आप टीचर का जब असेसमेंट होता है तो सिर्फ कंटेंट नॉलेज नहीं देखते, वो उनके लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स भी देखते हैं. नो मैटर इंग्लिश है कि हिंदी है, बट आप कितना अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मतलब साथ के साथ आपकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है और आपको कंटेंट पे मास्टरी भी हो रही है. ठीक है, ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इम्प्लीमेंटिंग द LAC अप्रोच. जब आप LAC अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हो, इसमें आपका ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहता है एडुकेटर्स के लिए. इट सपोर्ट टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज डिमांड. इससे क्या होता है ना, टीचर की लैंग्वेज डिमांड अच्छी होती है, उनके सब्जेक्ट एरियाज इंप्रूव होते हैं, उनके लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस और अच्छे से इम्प्रूव होते हैं, एंड साथ के साथ ना कई बार जो उनका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो अलाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ LAC के साथ. तो आप जब लैंग्वेज को अक्रॉस करिकुलम पढ़ा रहे हो या आप लैंग्वेज को अपने अदर कंटेंट एरियाज में इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो एज अ टीचर इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज आप इस टाइम पे एक अपना सब्जेक्ट लेके चल रहे हो और एक लैंग्वेज में भी मास्टरी कर रहे हो. सो दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ओवरऑल द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच सीक टू एनहेंस स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोफिशियंसी.
अगर हम देखें तो ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच है, ये स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बेटर करता है, सब्जेक्ट नॉलेज और उन दोनों को इंटीग्रेट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, आप लैंग्वेज को एज अ टूल यूज कर रहे हो, जो फाइनली आपको सब्जेक्ट में भी मदद करेगा, पढ़ाने में भी मदद करेगा, एंड इट इज ऑल्सो एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. नाउ वट इज दैट मीन? इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जब आप दो तीन चीजों को मिला देते हो, दो तीन सब्जेक्ट को मिला देते हो, साइंस में SST मिला दिया, साइंस में इंग्लिश मिला दिया, साइंस में मैथ्स मिला दिया, अब साइंस के साथ थोड़ा सा साइकोलॉजी भी मिला दिया. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो आपस में मिल जाते. सो दैट वॉज द मीनिंग ऑफ LEC अप्रोच एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ LEC अप्रोच. इसकी नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू पुट द प्रिंसिपल नीड एंड बेनिफिट्स. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, कि प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा. मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बहुत अलग अलग करके लगाई हुई हैं, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी. साथ के साथ वन थिंग यू कैन डू, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से फ़ायदा होता है, आप लोग नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक है, बाय मी अ बुक, यू कैन यूज दैट लिंक, जिससे आप अगर कुछ भी आपको हेल्पफुल हुआ है तो आप वो कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे. एंड बाकी अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.